नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में जो कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो चेंज किए गए। तो देखो, इंग्लिश में कोई भी प्रश्न चेंज नहीं किया गया, तो इंग्लिश में ऐसे प्रश्न जो डिलीट किए गए एक तो, और दूसरा इंग्लिश में ऐसे प्रश्न जिन पे ऑब्जेक्शन लगा था लेकिन, और जो जिनका प्रूफ भी ठोस था, फिर भी उन प्रश्नों को चेंज फाइनल आंसर की में नहीं किया गया। अगर इस बार जो रिव्यू कमेटी बैठी है और अगर सभी प्रश्नों पर निर्णय लेती है, तो क्या वो प्रश्न चेंज किए जा सकते हैं या इनको डिलीट किया जा सकता है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, इसका मैं साइंस में से हूँ खुद, तो इन पे इंग्लिश वाले प्रश्नों पर मैंने अपनी साथी अध्यापिका से राय मशवरा करके, जो कि आपके इंग्लिश में एक्सपर्ट है, उनसे राय ली है, तो इनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। देखो, इंग्लिश वाले प्रश्नों पर मुझे इतना नॉलेज नहीं है जितना साइंस मैथ में सब्जेक्ट पे होता है, खुद की सब्जेक्ट पे होता है, तो मैंने राय मशवरा किया है साथी अध्यापिका से। तो आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो डिलीट हुए और कौन से प्रश्न हैं जो अभी संभावित है। देखो, हर प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगता है, लेकिन ऑब्जेक्शन आउट ऑफ सिलेबस के नाम पर लगा दिया जाता है, या किसी कोई प्रूफ, या तो होता है कोई जो ऑथेंटिक प्रूफ होता है। देखो, प्रूफ तो बहुत लगाए जाते हैं शिक्षण विधियों वाले प्रूफ में, शिक्षण वाले प्रश्नों में भी दो तीन में लगाए गए हैं प्रूफ, लेकिन देखो ऑथेंटिक प्रूफ जो होते हैं जिनका उत्तर मानना ही पड़ता है गवर्नमेंट को या बोर्ड को, जो रिव्यू कमेटी है उन पर निर्णय लेना ही पड़ता है, तो वैसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बाकी फालतू प्रश्नों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ना आपका समय खराब करूँगा। तो सीधा हम बात करते हैं कि एक पहला प्रश्न है जो 15 नंबर प्रश्न था, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से खालिस्तान मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर माना गया था ए। बोर्ड ने जो प्रीमियर आंसर की आई, जो प्राइमरी आंसर की आई थी, जो प्राथमिक आंसर की आई थी, उसमें आंसर माना था ए, 250 से 300। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान में जो उच्चावचीय भाग है उसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से, वो है 150 से 300 के पास, तो ये इसकी रेंज है 150 से 300। तो देखो, ऐसा ऑप्शन था नहीं, लेकिन दो ऑप्शन थे, 150 से 200 भी था, 250 से 300 भी था, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन, और ये भी देखो, ये ऑप्शन भी इसमें फिट बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, ये भी बैठ रहा है, तीनों ऑप्शन फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि 150 से लेकर 300 की जो रेंज में आते हैं वो सभी ऑप्शन सही होंगे। इस कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया और इस पर मुझे नहीं लगता कोई भी विचार किया जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न डिलीट कर दिया गया उनमें मल्टीपल आंसर बोर्ड मानते नहीं है। जैसा कि अगर माने, तो मेरा तो मानना ये है कि मल्टीपल आंसर माने जाने चाहिए, लेकिन ये प्रश्न तो डिलीट करने योग्य है, क्योंकि तीन तीन ऑप्शन के मल्टीपल आंसर नहीं माने जाते। अगर दो ऑप्शन के मल्टीपल आंसर माने जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा या बोर्ड के द्वारा, तो इन प्रश्नों पर विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने मल्टीपल आंसर में ऐसे सभी विद्यार्थियों को डिलीट करने से सभी विद्यार्थियों को फायदा होता है, और जो विद्यार्थी सही करके आए उस प्रश्नों को, या मल्टीपल आंसर दो में से भी सही करके आए, दो भी सही करके आए, उन विद्यार्थियों को नुकसान होता है। तो इस वजह से मल्टीपल आंसर माने जाने चाहिए, मेरी राय है, लेकिन बोर्ड नहीं मानती है, तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, तो इस प्रश्न में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ये मुझे लगता है, ये मेरा व्यू है। देखो, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ, पहले भी मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं कोई बोर्ड कमेटी का या रिव्यू कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, जो अनुमानित प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करूँ आपकी डिमांड पर, तो मुझे इन चीज़ों के अंदर मुझे जज ना करें कि किस प्रकार के आंसर, या आप कमेटी के मेंबर है क्या, तो मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं अपना राय देख रहा हूँ, मैं अपना अपने जो विचार है वो व्यक्त कर रहा हूँ विद्यार्थियों की शांति के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, हु वाज द लीडर ऑफ ब्रेड पीजेंट मूवमेंट, तो ब्रेड किसान आंदोलन है उसका नेता कौन था, जो सॉरी बूंदी रियासत का जो ब्रेड किसान आंदोलन है उसका नेता कौन था, तो राम नारायण चौधरी, स्वामी गोपाल दास, नेनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक। तो पहले इसका उत्तर माना गया था सी, क्या माना गया था, सी, लेकिन राम नारायण चौधरी भी टेंथ की बुक में देख लो, या आप जो भी बुक्स चलती है राजस्थान की, इतिहास कला संस्कृति चलती है, जो आपके राजस्थान ग्रंथ अकादमी की किताब चलती है, उनमें भी राम नारायण चौधरी भी है, नेनूराम शर्मा भी है, तो इसके दोनों आंसर सही है। इस कारण इस प्रश्न को क्या किया गया, फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया। देखो, ये मल्टीपल आंसर वाला प्रश्न है और इसके दोनों ऑप्शन आपके मल्टीपल आंसर माने जाने चाहिए, जिससे क्या वो विद्यार्थियों को फायदा हो, क्योंकि अगर मान लो कोई विद्यार्थी नैनूराम शर्मा करके आया है, तो उसके दो नंबर माइनस हो गए सीधे,
डिलीट करने की वजह से, उसके पहले दो नंबर आ रहे थे वो दो नंबर माइनस हो गए, तो इस कारण विद्यार्थी अगर बाहर हो गया तो इसके मल्टीपल आंसर माने जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर नहीं माना जाता तो ये प्रश्न डिलीट ही रहेगा, क्योंकि इसके दो ऑप्शन दोनों सही हैं, रामनारायण चौधरी भी सही है, नेनुराम शर्मा भी सही है। अगले प्रश्न पर हम बात करें तो ये इंग्लिश का प्रश्न है। देखो जेके वाले प्रश्नों में मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, इंग्लिश वाले प्रश्न है। चूज द करेक्ट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक, ही खालिस्तान नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो इसका पहले उत्तर माना गया था सेल, क्या माना गया था सेल, क्योंकि कमांड का आदेश है इसलिए सेल माना गया था, लेकिन इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं गया, क्योंकि ओनली कमांड लिखने से या वाक्य में आगे कुछ भी नहीं लिखा, इस वजह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। सेल भी माना जा सकता है, कैन भी माना जा सकता है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज पैदा कर रहा है, इस कारण इस प्रश्न को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ये स्पष्ट है, क्लेरिफाई प्रश्न नहीं है, इस कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न को वापस चेंज किया जाएगा, क्योंकि जो डिलीट कर दिया गया है, जो बोर्ड ने, जो पहले वाले कमेटी ने जो मान लिया है, वही प्रश्न का उत्तर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश और अराउंड द बुश। देखो इसका पहले उत्तर माना गया था डी, क्या माना गया था डी, अराउंड द बुश, टेल मी व्हाट रियली हैपन। देखो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है घुसर फुसर करना, घुसर फुसर करते हैं ना उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। देखो इसका डी आंसर माना गया था पहले, लेकिन देखो कुछ किताबें हैं, कुछ डिक्शनरी हैं, उसके अंदर के बीटिंग अबाउट द बुश भी सही माना गया है, इस कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया था। दो ऑप्शन सही होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। और देखो ये इसके प्रूफ भी आपको मैं बता देता हूँ, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ऐसी एक किताब चलती है, उसमें इसका उत्तर अबाउट द बुश भी है, अराउंड द बुश भी है। एक किताब चलती है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उसमें भी इसके उत्तर दोनों माने गए हैं, तो अराउंड द बुश भी होता है और अबाउट द बुश भी होता है, इस कारण इस प्रश्न को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। तो ये प्रोवर्ब है आपके, उसमें दोनों ऑप्शन सही है, इस कारण इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। पहले डी माना गया था, बाद में इसका उत्तर सी भी मान लिया गया। अब देखो वैसे भी ये विद्यार्थियों का, देखो लगभग विद्यार्थियों के नुकसान ही हुआ है, क्यों अबाउट या अराउंड में से माना गया था, राउंड तो उनको भी बताया कि राउंड तो नहीं होता, इन द बुश उन्होंने माना नहीं है, तो अबाउट और अराउंड में से माना गया था। अगर इसके दोनों ऑप्शन मानते हैं तो भी ज़्यादा विद्यार्थियों के, देखो बहुत ज़्यादा नुकसान फायदे वाला प्रश्न ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो अराउंड भी किया है लोगों ने, अबाउट किया इनमें से। अगर इंग्लिश से कोई तैयारी कर रहा है, तैयारी करने वाला बंदा है, तो उसने दोनों में से एक ऑप्शन किया है कन्फर्म, और सबके ही नुकसान हुआ है। अगर मान लो डिलीट किया है तो दो नंबर का सबके ही नुकसान कराया, जो सिलेक्टेड हुए हैं उनके सबके नुकसान है, जो कुछ नंबरों से रहे उनके भी ये नुकसान में ही है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही होने के कारण इस प्रश्न को डिलीट किया गया। ये प्रश्न है जो, देखो ये चार प्रश्न मैंने बताए ये डिलीट किए गए थे, लेकिन ये प्रश्न है ये डिलीट नहीं किया गया। राजस्थान में कितनी कृषि विज्ञान केंद्र है, तो देखो आप जो कृषि विज्ञान केंद्र जो अपने राजस्थान में है, वो अगर आप साइट पर देखिए, जो केंद्र सरकार की जो साइट है ICAR वाली, उसमें देखें तो उसमें 47 दिए गए, कितने दिए गए हैं 47 कृषि विज्ञान केंद्र है जो अपने ये राजस्थान, दिल्ली में एक है और हरियाणा में 17 है, राजस्थान में 47 है, ऐसे मिलाकर कुल साइट 68 के आसपास उनमें लिखे हुए हैं। तो 47 कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि इसका ऑप्शन माना गया था 45, क्या माना गया था 45। देखो इसमें से क्या है, इसमें देखो कोई अगर प्रश्न बना रहा है जो भी कोई भी पेपर सेटर है, तो वो पुराने आंकड़े ले लेता है मान लो, तो उसमें से हो सकता है कि पहले 47 हो, फिर 45 हो, फिर 47 किए गए हों। तो देखो ये आंकड़े की बात है, तो उन्होंने तो प्रश्न बना दिया, लेकिन वर्तमान में जो अगर एग्जाम हुई उस समय थे 47 थे और ऑप्शन में 47 नहीं था, ऑप्शन में 47 नहीं था, तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी देखो मैंने अभी कल परसों मैंने SST का पेपर करवाया था, SST के पेपर में मैंने संभावित प्रश्न बताए थे, उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत में 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, केरल या गोवा। तो देखो इसमें विद्यार्थियों ने गोवा माना, जबकि इसका उत्तर था केरल, लेकिन अब केरल तो मान लिया, लेकिन 2022 की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित ही नहीं हुई थी उस समय, उससे पहले प्रश्न पूछ लिया गया था, तो अगर रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई तो उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, क्योंकि ऑथेंटिक कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ था। इसी प्रश्न में क्या है, अगर दो जो
आईसीआर की जो साइट है उस पे 47 माने जा रहे हैं उस समय, तो इस प्रश्न का उत्तर डिलीट करना चाहिए। देखो अगर किसी विद्यार्थी के नुकसान भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, देखो जो चयनित है उनको तो देखो बाहर वैसे भी नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में उनको बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी विद्यार्थी की अगर इस प्रश्न की वजह से जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से कोई विद्यार्थी अंदर आ रहा है तो आने चाहिए, मेरा मानना ये है। तो ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है। अब देखो ये रिव्यू कमेटी पर निर्णय लेगी कि कौन सा प्रश्न डिलीट करना है और कौन सा नहीं करना। तो ये प्रश्न जो अगर ऑथेंटिक प्रूफ है, क्योंकि आईसीआर खुद की साइट पे लिखा हुआ है, 47 के नाम लिखे हुए हैं, तो ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन देट फॉलो। द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द है, इसके फ्रेजल वर्ब निकालिए, गेव इन, गेव आउट, गेव अवर और गेव अवे। देखो इसका पहले उत्तर माना गया था डी, पहले क्या अभी जो फाइनल एनसीक्यू में उत्तर माना गया वो डी माना गया। देखो एक तो वो ये कृषि विज्ञान केंद्र वाले का भी 45 ही माना गया अभी फाइनल एनसीक्यू में, और इसका गेव अवे माना गया है अभी भी, पहले भी गेव अवे माना गया, अभी भी गेव अवे माना गया। लेकिन देखो विद्यार्थियों ने इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन भी काफ़ी लगाए थे, और इसका दोनों उत्तर सही है, गेव आउट भी सही है, गेव अवे भी सही है। क्यों सही है, तो इसकी मैंने देखो चर्चा की एक्सपर्टों से, तो उन्होंने क्या बताया कि एक किताब चलती है ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, ए प्रैक्टिकल ऑथेंटिक बुक है इंग्लिश ग्रामर, उसमें जो जिसके लेखक है एजे थॉमसन और एजे मार्टिनेट, इनकी किताब में लिखा हुआ है कि गेव आउट भी डिस्ट्रीब्यूट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसमें भी कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की, टीचर ने द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, किताबें वितरित की, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल उसमें भी दिए गए हैं। तो गेव आउट और गेव अवे ये दोनों ऑप्शन जो है, ये एक किताब और चलती है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ऐसे भी ऑथेंटिक प्रूफ है जिनके अंतर्गत गेव आउट भी और गेव अवे भी दोनों, क्या गेव अवे तो देखो है ही है, गेव अवे में तो कोई दिक्कत ही नहीं, गेव अवे तो डिस्ट्रीब्यूट के लिए होता है प्रयोग फ्रेजल, लेकिन गेव आउट जो फ्रेजल वर्ब है वो भी डिस्ट्रीब्यूट के लिए उपयोग की जाती है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है और डी भी सही है। अगर रिव्यू कमेटी पूरे पेपर का रिव्यू करती है और जितने भी ऑब्जेक्शन लगे हैं उनको पूरे ध्यान से पढ़ती है, देखती है, तो इस प्रश्न को मेरे चांस से डिलीट किया जा सकता है, ये मेरा व्यू है। अब रिव्यू कमेटी क्या निर्णय लेती है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यह प्रश्न डिलीट करने योग्य है, डिलीट योग्य है, अभी डिलीट इस प्रश्न को नहीं किया गया। अगर कोई इस प्रश्न की वजह से अगर कोई विद्यार्थी गेव आउट जिन्होंने किया है और उसकी वजह से कोई कुछ नंबरों से रह रहा है तो वो विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सकता है अगर इस प्रश्न को डिलीट किया जाता है। तो अब डिलीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये रिव्यू कमेटी का काम है, मेरा काम है बताना। तो मैंने संभावना व्यक्त की कि यह प्रश्न और एक राजस्थान कृषि विज्ञान केंद्र वाले प्रश्न है, दोनों प्रश्न है ये डिलीट करने योग्य है, क्योंकि राजस्थान कृषि विज्ञान केंद्र वाले में तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था और इसमें दो ऑप्शन सही है, मल्टीपल ऑप्शन सही होने की वजह से डिलीट किया जाना चाहिए। और अगर डिलीट नहीं किया जाता है तो देखो अगर किसी विद्यार्थी को नुकसान नहीं करवाना है तो इसके दोनों ऑप्शन माने जाए, गेव आउट और गेव अवे, ये मेरा व्यू है। तो ये प्रश्न थे, इसके अलावा भी देखो विद्यार्थी काफ़ी सारे प्रश्न बता रहे हैं कि ये भी आपके डिलीट करने योग्य है, यह भी ऑब्जेक्टेड प्रश्न है। तो देखो ऐसे हर प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाने से ही ऑब्जेक्टेड नहीं बन जाते, कुछ प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट जो इनके ऑथेंटिक प्रूफ होते हैं अपने पास और वो डिलीट करने योग्य होते हैं, इनमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, वैसे प्रश्नों की हम चर्चा की है। तो ये थे आज के जो प्रश्न है इंग्लिश में जिन पे आपकी संभावना बन सकती है। देखो अगर इन प्रश्नों पर अगर मैंने दो कृषि विज्ञान के अंदर और गेव अवे और गेव आउट वाले प्रश्न जो है इन पे अगर बोर्ड कमेटी ध्यान नहीं देती है, केवल डिलीट वाले प्रश्नों पर ध्यान देती है, तो वो डिलीट वाले डिलीट ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं किया जाएगा इंग्लिश में। अगर इन प्रश्नों पर ध्यान देती है और इनको उत्तर चेंज किया जाता है, दो प्रश्न और डिलीट किए जाते हैं, तो काफ़ी विद्यार्थियों को फायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।